एमजी मोटर्स इंडिया में एक वाइड पॉपुलर कार मेकर कंपनी है। एमजी मोटर्स के पास प्रेजेंट टाइम हेक्टर, जेडएस ईवी, हेक्टर प्लस, एमजी एस्टर एंड ग्लोस्टर जैसी कार्स अवेलेबल हैं। इन सभी के बावजूद भी एमजी की सेल्स काफी ज्यादा बढ़िया नहीं है। वहीं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने एंड कार्स की पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए एमजी मोटर्स अपनी कुछ प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने वाली है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने एमजी की तरफ से आने वाली टू टॉप अपकमिंग कार्स को डिटेल से कवर किया है। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। MG3 इंडियन मार्केट में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की कार्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी, बलेनो, हुंडई i20 एंड टाटा अल्ट्रोज जैसी कार्स राज करती है। एमजी मोटर्स भी इस सेगमेंट में अपनी MG3 हैचबैक से एंट्री करेगी। MG3 इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोडेड होने वाली पहली कार होगी। MG3 में मेन स्टैंडर्ड फीचर की बात करें तो इसमें एमजी रेगुलर ग्रिल, शार्प फ्रंट डिजाइन, फुली प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप, एलईडी डीआरएल, शार्प डिजाइन फोग लैंप्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ऑल ब्लैक केबिन थीम, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल, सेमी डिजिटल MID, वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एंड रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर ऑफर किए जाएंगे। MG3 में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा। MG3 को इंडिया 6.5 लाख रुपीज की एक्स रूम प्राइस पर उतारा जाएगा। MG ZS EV 2022 MG ZS EV को मार्च मंथ में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस कार की स्टाइलिंग को अपडेट देने के साथ साथ इसमें पहले से ज्यादा फीचर और एक बड़ा बैटरी पैक भी देगी। 2022 MG ZS EV में ज्यादा रेंज देने वाला बड़ा बैटरी पैक दिया जाएगा। अब इसमें मौजूदा 44.5 kWh का बैटरी पैक दिया जाता है। इसके बजाय इसमें अब 21 kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा जो 479 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगा। बता दें कि अभी इस कार की सिंगल चार्ज रेंज 420 किलोमीटर की है। इसके अलावा इस कार के IC वर्जन एस्टर SUV में दिए गए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, PM2.5 फिल्टर, पावर ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग, मल्टीपल USB चार्जिंग पोर्ट, ऑटोमेटिक AC यूनिट और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर भी ZS EV में दिए जाएंगे।